बाहर से तो देख लिया कैसा है, अब एक बार अंदर में देखते हैं कि ये गाड़ी क्या पे इसका जो इंटीरियर फिनिशिंग जो है पूरा लेदर फिनिशिंग है, लेदर फिनिशिंग है। अभी तक तो ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा ये पावर क्या देती है? 2.2। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। दिस इज राजीव और आज हम फिर एक बार आ गए हैं द मोटर कैड में। तो आपको पता होगा कि द मोटर कैड काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां रखता है, उनमें से एक गाड़ी जो है आज का होगा वो होगा प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी, जो काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छी होगी और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाली है। तो वो होगा हमारे पास, वो होगा ये जेगुआर, और ये अपने आप में डिमांड होने वाली है इस गाड़ी की। तो भाई इस गाड़ी का हम डिटेल लेंगे और सारा स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो इसको जानने से पहले मैं मिलवाना चाहता हूँ मिस्टर दीप दास से। तो हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। एक बार हाय कर दीजिए। हाय व्यूअर्स, हाय कस्टमर्स। तो बहुत दिन बाद आए हैं द मोटर कैड में, और अब से जो वीडियो आएगा थोड़ा सा मोटर कैड का ही हम कवर कर रहे हैं। 102 दिन जो वीडियो आने वाली है यहीं का आने वाला। तो पहला ही वीडियो हम प्रीमियम से कर रहे हैं, तो इसका क्या खास बात है? इसमें जेगुआर है, ऊपर से हमारे जो व्यूअर्स है उनको काफ़ी पसंद आता है। बात ये है, एक तो सबके लिए बहुत अच्छा गाड़ी है, मीन्स प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी में वन ऑफ द बेस्ट अभी ज़्यादा है। जैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जेगुआर भी वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी है। सबसे खासियत है ये गाड़ी निया में अभी ऑन रोड प्राइस अप्रोक्स 70 लाख 70 लाख ऑन रोड प्राइस है इसका, मतलब अभी शोरूम का, अभी शोरूम का अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये गाड़ी 2014 का है, हाईली वेरी हाईली मेंटेन। आप जानते होंगे मोटर कैड में हम लोग जो गाड़ी रखते हैं सभी हाईली मेंटेन, चाहे मारुति से जेगुआर तक जो भी चाहे। चलिए तो अब डिटेल को हम जानेंगे, पहले हम फ्रंट व्यू से बात करेंगे। फ्रंट व्यू से आप देख पाएंगे कि दीपदा कुछ फ्रंट के व्यूज के बारे में कुछ बताइए। सबसे बड़ा बात ये इसका लोगो, लोगो हाँ जी, इसका जो लोगो है हाँ जेगुआर का ये ऑथेंटिकेट लोगो है, बहुत अच्छा। इसका लुक देखिए, फ्रंट ग्रिल देखिए, हाँ इसका देखिए आपका प्रोजेक्टर लैंप, हेडलाइट है। अच्छा, उसका डे लाइट भी जला हुआ है, डेलाइट भी देख पा रहे हैं यहाँ पे, हाँ देख पा रहे हैं। उसका देखिए रिम, आपका अलॉय रिम है कंपनी का जेगुआर का ओरिजिनल, ठीक है। तो उसका देखिए क्रोम फिनिश देखिए गाड़ी का, ब्लैक एंड क्रोम, ब्लैक एंड सिल्वर का क्रोम फिनिश देखिए, ब्लैक कलर गाड़ी है विथ क्रोम फिटिंग्स, जैसे क्रोम लोगो, क्रोम डोर मीटर, अच्छा क्रोम आपका विंडो साइड, ठीक है। ओवरऑल एकदम मतलब, तो एलॉय रिम भी है देखिए, इसका लुक्स देखिए पीछे का, इसका टेल लाइट देखिए, टेल लाइट इसमें आप देख सकते, देखिए बहुत बढ़िया, देखिए दूर से देखिए टंकी तक ये क्या जलता है? हाँ ये रिफ्लेक्शन है। अच्छा। सब जलता है देखिए, कितना अच्छा टेल लाइट है। आपका एक्सेप मॉडल है, ठीक है। देखिए इसका पूरा फिनिशिंग देखिए, ये जो साइड लाइट जल रहा है, अभी ब्रेक लाइट नहीं, ब्रेक लाइट जलेगा तो और भी हाँ ग्लेजी हो जाएगा। ये लाइट अभी ऑफ है, हाँ ये लाइट ए सेप जल रहा है, इसको ब्रेक लाइट बोलते हैं, जस्ट इग्निशन लाइट, जस्ट हाँ साइड लाइट, ये जल रहा है। अच्छा ये जल रहा है, आप देख रहे हो ना काफी। देखिए इसका साइलेंसर देखिए, साइलेंसर देखिए देखिए, हाँ क्रोम साइलेंसर देखिए। ये गाड़ी जो है काफी अच्छी दिख रही है, बहुत सुंदर है, कॉम्बिनेशन इसका बहुत बढ़िया है, ब्लैक ये जो क्रोम फिटिंग है भी काफी अच्छी लग रही है। ये भी कच्चा है, अलॉय व्हील देखिए, अलॉय व्हील देखिए एक बार, तो वो भी काफी अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं आप जेगुआर का वहाँ पे लोगो दिख रहा है, जेगुआर का लोगो दिख रहा है देखिए। बाहर से तो हम लोग देख रहे हैं काफी अच्छी दिख रही है, अब हम अंदर से एक बार देख लेते हैं गाड़ी के, आइए अंदर में क्या है। गाड़ी को आपने आउट बाहर से तो देख लिया कैसा है, अब एक बार अंदर में देखते हैं कि ये गाड़ी अंदर से कैसी है। अगर इसको पहले खोलते हैं, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है मिरर का लेस मिलता है, हाँ सीट में, और इसके बाद जिसने यहाँ पे क्या क्या होगा।
अब हम बैठ चुके हैं जेगुआर के अंदर में, और अंदर का जो फीचर्स कुछ होगा हमारे दीपदा बताने वाले। दीपदा, हाँ देखो अभी गाड़ी स्टार्ट हो गया पूरा, ठीक है, ऑन है। जैसे देखो स्टार्ट स्विच है, गियर ऑटोमेटिक अप, जैसे हम ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, अभी गाड़ी ऑफ है। ऑफ है। अच्छा अच्छा, अभी ऑन करते हैं हम। देखो ये मजा है आपका गियर का, ठीक है। अच्छा देखिए, सब ऑटोमेटिक है, फोर डोर्स पावर विंडो है। ये देखिए विंडो हो रहा है, ये हो रहा है, फोर डोर्स पावर विंडो है। अच्छा आपका देखिए एसी, अभी एसी का सब बंद है। अभी देखिए एसी का स्विच दिए है, ये देखिए। वाह, ठीक है, देखिए अब एसी का मजा भी मिल रहा है। मजा भी मिल रहा है। क्लाइमेट का इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, क्लाइमेट का दिए, नेविगेशन भी है। अब देखिए नेविगेशन भी आ गया, पूरा रूट मैप आ गया। कोई अगर नया बंदा है, हाँ, कोई रास्ता भी नहीं जानते तो ये देख के चलाएगा। तो जैसे ये वाला डीजल, फिर से एक बार बता दीजिए, पी से मतलब पार्किंग में हो गया। हाँ, पी मतलब पार्किंग हो गया। हाँ। अच्छा, आर मतलब रिवर्स हो गया। देखिए बैक कैमरा भी है इधर में। अच्छा, बैक कैमरा यहाँ पे आने लगा। एन मतलब न्यूट्रल हो गया। अच्छा, न्यूट्रल हो गया। अच्छा, डी मतलब ड्राइव मोड। ड्राइव मोड, ड्राइव मोड में भी गाड़ी मोड में गाड़ी चल रहा है। अच्छा, एस मतलब जो स्पीड मोड, और ड्राइव में जब जाएंगे तब एस मोड, स्पीड मोड। हां, जो अगर आपका हां काफी ज्यादा मन कर रहा है वे हाईवे पे जाने के लिए, कोई ना कोई सामने कोई लॉरी आ गया, ट्रक हो गया, उसको ओवरटेक करना है तो स्पीड मोड, स्पोर्ट्स मोड में चला जाएगा। और स्टीयरिंग के बारे में आप कुछ बात कर लेते हैं। हाँ, स्टीयरिंग में जैसे है, स्टीयरिंग में आपका ऑडियो कंट्रोल है, ऑडियो कंट्रोल जैसे है, देखिएगा इधर में ऑडियो मतलब ये होता है आपका। अच्छा। ये जब हम फोन करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे ऑडियो का, एक सेकंड ऑन कीजिए मेनू। ओके ओके, ये कैंसिल हो गया। हाँ, ऑडियो। अच्छा, ये ऑडियो में आ गया आपका। हाँ, अभी ऑडियो चलाएंगे तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और सब इसका जो इंटीरियर फिनिशिंग जो है, पूरा लेदर फिनिश है, लेदर फिनिश है ना ये। हाँ हाँ, पूरा लेदर फिनिश है। ये देखिए और एक तो मजा देखिए। अब यहाँ पे सनरूफ देखिए, अब सनरूफ का जी मजा जिसको लेना है यहाँ पे ले सकते हैं। भाई ये तो ये भी काफी अभी तक तो ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा, ये पावर क्या देती है, दे देती होगी इसका पावर क्या होगा, कुछ हॉर्स पावर जो है? 2.2 मतलब विद डीजल इंजन। हाँ, काफी अच्छी होती है, काफी स्पीडी होती है। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली ये हम लोग का 2014 का गाड़ी है, हम 2014 का गाड़ी है। हम लोग अभी जस्ट फिलहाल हम लोग 3 लाख रुपया टैक्स दिए दिए। अच्छा, इसका 3 लाख टैक्स भी दे दिए। हाँ, 3 लाख टैक्स भी दे दिए। अच्छा, टैक्स लेके हम लोग गाड़ी, ये जो गाड़ी है प्रीमियम सेगमेंट, जो अभी अप्रोक्सीमेटली नया गाड़ी का दाम है 70 लाख, तो इसमें ये गाड़ी अभी जो लेंगे तो इसमें उसका फायदा ही हो जाएगा। 5 साल का टैक्स भी पेड है, लग्जरी गाड़ी है, सबसे प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी है, ठीक है। और टॉप मॉडल है जैगुआर एक्सेप्ट डीजल 2.2। अच्छा, तो और सीट वगैरह तो काफी लग पूरा वो तो, हाँ वो तो पूरा लेदर फिनिश है, लेदर फिनिश कंपनी मैंने फैक्ट्री फिटेड, बाहर से कुछ नहीं, सब फैक्ट्री फिटेड, नीट एंड क्लीन, वेरी हाईली मेंटेन। और जैसे क्या खास माना जाता है अगर जगुआर कोई किसी के पास होता है तो? तो ये तो ये सारा ऑडियंस देखना चाहता है जो भी। हाँ, तो एक तो देखिए, एक तो क्लास है, क्लास है, एक तो क्लास मेंटेन, जैसे कि जैसे हम लोग क्लासिक क्यों पीते, 5 फीट क्यों पीते, तो क्लास मेंटेन है जगुआर, मतलब तो क्लास मेंटेन का। चलिए, तो अंदर का काफी आप लोगों ने देखा, अच्छा फीचर्स था। और इसका एक बार की देख रहे हैं, ये तो कीलेस एंट्री है, ये चाबी जस्ट रखना है, इसको सिर्फ रखना है, रखना है बस, बढ़िया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जगुआर काफ़ी क्लासिक है और काफ़ी लोग डिमांड करते हैं कि भाई लग्जरी बहुत दिन हो गई थी दिखाना, तो मैं सोचा एक लग्जरी को कवर कर लेता हूँ। और दीपदा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि और इसका मॉडल जो है, ये बताया आपने, एक्सएफ इसका मॉडल है 2014 का मॉडल है, और ये सीरीज है, सीरीज जो
2.2 XF डीजल, डीजल XF 2.2 डीजल। अच्छा, सिर्फ 18,000 चला हुआ है, ओनली 18,000 चला हुआ है। 2014 का गाड़ी है, 2014 का गाड़ी है, XF 2.2 डीजल है और ओनली 18,000 ड्रिवन। अच्छा, तो अब प्राइस को रिवील करते हैं, प्राइस क्या होगा? देखिए, प्राइस तो हम लोग अभी जस्ट 3 लाख रुपया का इसका टैक्स भर चुके दे दिया हम लोग। अच्छा। जो अभी गाड़ी लेगा एकदम 5 से 5 साल टैक्स एकदम पूरा फ्री। टैक्स का कोई झंझट ही नहीं है, झंझट ही नहीं है, क्योंकि उसका टैक्स लेके 3 लाख रुपया हम लोग टैक्स दे दिए, उसको लेके हम लोग गाड़ी का दाम रखे ओनली 26,50,000 ओनली 26,50,000 में आपका ये जेगुआर ठीक है। 70,000 का नया प्राइस है और मात्र चला है 16,000 के करीब, 18,000 करीब में। तो इसका जो है फाइनेंस कितना हो सकता है क्या? हाँ, फाइनेंस हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा। हम लोग तो सारा बैंक से ही है, बैंक से ही है, सारा बैंक से है। अच्छा, फाइनेंस हम लोग कर देंगे। अच्छा, और 75% फाइनेंस हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा। चलिए, 25% देना पड़ेगा, 25% डाउन पेमेंट। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, सेपरेट वीडियो था क्योंकि मुझे समझाना था एक एक डिटेल के बारे में। तो आई होप कि सारा डिटेल आपको समझ में आया होगा। तो दीपदा धन्यवाद, थैंक यू राजीव, आपको एक बार एक वीडियो में मेरे को फिर दिखाया जाए एक बार। तो चलिए फिर अगले वीडियो में, क्योंकि अभी मोटरकेड में ही हूँ मैं अभी कुछ दिन, तो कुछ दिन का सीरीज़ जो है मोटरकेड का है, तो आप रिलैक्स रहिए, यहीं का दीपदा रोज ही दिखेंगे हमें। तो दीपदा चलिए चलते हैं, थैंक यू भाई।